नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। गुरुवार का सत्र है आज। कहीं ना कहीं इस सीरीज की जनवरी सीरीज की एक्सपायरी भी होगी, जिस सीरीज में हमने देखा था बाजार ने लगातार कई सारे रिकॉर्ड ऊंचाई बनाए। लेकिन फिर 3 दिनों की छुट्टियां हैं, उसके बाद जो हफ्ता होगा वो बजट का हफ्ता होगा, यानी कि अगले हफ्ते बाजार के लिए बहुत बड़े ट्रिगर्स होंगे और आज बाजार में काफ़ी ज़्यादा इसका असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक्सपायरी भी है और बजट के पहले का आखिरी हफ्ता भी है। नमस्कार रजत, क्या उम्मीद करें कि आज बाजार में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है? उतार चढ़ाव तो है। देखिए, कल खड़े बाजार में वोलेटिलिटी 11% चढ़ गई। इसका मतलब अपने आप में ये निकलता है कि इंडेक्स के जो हैवी वेट्स है ना, वो स्ट्रेच होते चले जा रहे हैं। जब ऐसा होता है तो मार्केट पे एक बार तो नीजक रिएक्शन देखने को मिल सकता है। वोलेटिलिटी अभी बढ़ेगी, इंडेक्स स्पेसिफिक ना हो, काउंटर स्पेसिफिक मूव ज्यादा देखने को मिलेंगे। मिसाल के तौर पर आज बैंकिंग फिर से फोकस में रहेगा, तो जिन स्टॉक्स में खबरें हैं वहीं पर रिएक्शन रहेगा। बाजार में इंडेक्स पे समय बेट लगाना बिल्कुल भी ठीक नहीं। एक छोटा सा सवाल होगा, जल्दी से बताइएगा, जो बाजार में हो रहा है जिस तरह से छोटे मझोले स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पे है, मेरा तो पैसा ही नहीं बन पा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जिसमें उम्मीद नहीं थी उसमें पैसा बन रहा है, वो क्यों रहा है ऐसा? बहुत मुश्किल हो गया ट्रेडिंग करना। इनफैक्ट देख रहे थे कल के सत्र में भी जो मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में 6-7% का डेंट पड़ता हुआ नजर आया। देखिए, इस समय यही है इंडेक्स मैनेजमेंट जिसको कहते हैं। अभी आईटी ने कमान संभाल लिया, आज हो सकता है कि बैंकिंग की बारी हो जाए। एक दिन पहले हमने देखा था एनबीएफसी में एचडीएफसी संभाल रहा था कमान, तो ये सेक्टोरल चर्निंग हो रही है, इंडेक्स को संभालने की कोशिश है बजट से पहले। बजट में कुछ बहुत बड़ा बूस्टर डोज आ गया तब तो ठीक, लेकिन उम्मीद उसकी भी बहुत कम है। तो हो सकता है कि मार्केट जो हम बार बार कह रहे हैं ना कि स्ट्रेच हो गया, एक बार तो कम से कम वैल्यूएशंस को कंसिडर करना होगा मार्केट को, उसका इफेक्ट जरूर मार्केट। और इसके लिए आसान तरीका है, फास्ट मनी देखिए। 20 स्टॉक्स ऐसे हम बताते हैं जिसमें कि इंट्राडे में तेजी या गिरावट देखने को मिलती है। कल इंडिगो रेमेडीज के साथ मैंने शुरुआत भी की थी, जब हमने देखा था कि बाजार में थोड़ा दबाव था, शेयर दिन के ऊपर स्तर के आसपास कारोबार किया था, जब 7-8% की मजबूती दिखा था। ऐसे रजत ने कई सारे स्टॉक्स बताए थे। यूनाइटेड स्पीड्स में बिकवाली करने सलाह दी गई थी, जोरदार गिरावट दी गई थी। लेकिन आज के लिए मैं जो पहला शेयर होगा रजत, हैवी वेट स्टॉक्स होगा, इसमें साथ मैं शुरुआत करूंगा फार्मा सेक्टर की कंपनियों की, डॉक्टर रेड्डीज। इसमें मुझे लगता है कि आज के तेज ट्रेड में मजबूती देखने को मिल सकता है शेयर में। देखिए, बीते सत्र में भी शेयर में जो है अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिला था, जब 1.5-2% की मजबूती देखने को थी। अब पॉजिटिव खबर आई है, कंपनी के जो है जर्मनी के रेगुलेटर ने जो है इनके हैदराबाद प्लांट को जो है मंजूरी दे दी गई, जो आपत्तियां थी उसको सीधे तौर पर उसने खारिज किया है। इसका असर शेयर पे आज के ट्रेड में पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। 2625 रुपये का आपको लक्ष्य रखना है, 2550 रुपये का आपको इसमें स्टॉपस लगाना है। वैसे भी एक्सपायरी का दिन है, तो ऐसे स्टॉक्स में कहीं ना कहीं जरूर अच्छी खबरों के दम पे एक मजबूत रैली देखने को मिल सकता है। आज का जो अगला शेयर होगा प्रभात डेयरी होगा, इसमें खरीदारी करने की सलाह होगी। परसों के सत्र में मैंने इसमें उमंग डेयरी में मैंने खरीदारी करने की सलाह दी थी, यानी कि मंगलवार को मैंने उमंग डेयरी में खरीदारी करने की सलाह दी। तो मैंने कहा था ये कंपनी घाटे से मुनाफे में आ सकती है और इन शेयरों में एक मजबूत उछाल देखने को मिल सकता है। कल मार्केट बंद होते होते उमंग डेयरी के नतीजे आए थे और हमने देखा था शेयर 20% के अपर सर्किट पर बंद हुआ। कमोवेश यही ट्रेंड प्रभात डेयरी में भी देखने को मिल सकता है। इस कंपनी के भी नतीजे बेहतर देखने को मिल सकते हैं और नतीजों से पहले कहीं ना कहीं शेयर में भी खरीदारी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। याद रखिए, ये एक ऐसा क्वार्टर है जिस क्वार्टर में इनके प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ी थी, इन डिमांड बढ़ी थी, उसका फायदा सीधे तौर पर नतीजों पर देखने को मिला, जैसा कि कल उमंग डेयरी के नतीजे आए थे। आज के लिए प्रभात डेयरी में आपको लक्ष्य रखना है 241 रुपए का, स्टॉपलॉस लगाना है 232 रुपए का। इनफैक्ट ये जो आज बैंकिंग सेक्टर पे मूव बनेगा ना, वो कल बाजार बंद होने के बाद जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की वित्त मंत्री ने, उसमें क्लियर कट इंडिकेशन है कि सरकारी बैंक्स को संभालने की कोशिश है, जो बहुत एलिवेटेड लेवल्स पे हैं ग्रॉस एनपीएस नेट एनपीएस, उनको बचाने की अब कहीं ना कहीं कोशिश है और इन्फ्यूजन होगी 80,000 करोड़ की। इनफैक्ट एक एक करके मैं स्टॉक बताऊं तो पहले तो बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा बेनिफिशियरी, 9,232 करोड़ का रिकैप इन्फ्यूजन इस पर्टिकुलर बैंक में होता हुआ नजर आएगा और तेजी पकड़ी है सरकारी बैंकिंग खेमे ने। पिछले कुछ दिनों में लोअर लेवल से बहुत स्मार्टली रिकवरी देखने को मिली, लेकिन ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं खासतौर से छोटे मझौले बैंकिंग स्टॉक्स जहां पर आज के सत्र में एक्टिविटी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकती है। 180 का टारगेट बैंक ऑफ इंडिया पर, 170 का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। दूसरा है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, जिसमें 3,571 करोड़ के रिकैप बॉन्ड है और यहां पर भी आज पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है। टारगेट्स रखें आप 135 का, 128 का लगा लीजिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस, लेकिन ये स्ट्रिक्टली ट्रेडिंग बेट्स होंगी। देखिए, ये सुधार होगा, इसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा ये तो आप समय ही बताएगा, लेकिन हाँ, सरकार का ये कहना कि किसी भी सरकारी बैंक को फेल नहीं होने दिया जाएगा, वही अपने आप में एक बहुत बड़ा सेंटिमेंटल बूस्टर है और जो रकम इन्फ्यूज कर रही है सरकार, उससे ये जो बैलेंस शीट रीस्ट्रक्चरिंग है सरकारी बैंकों की, एक नेक्स्ट मूव, एक री रेटिंग कैंडिडेट्स बैंकों को बना देगी। आज सरकारी बैंकों पर जरूर ध्यान रखें शुरुआती ट्रेड। रात एक चीज इंटरेस्टिंग है जो अक्सर मैंने लास्ट टाइम आपसे चर्चा किया था मैंने, कि अक्टूबर में ये खबर आई थी रिकैपिटलाइजेशन की, शेयर गैप खुले, हमने देखा था पीएनबी में
50% तक की इंट्राडे में रैली देखने को मिली थी। ऑप्शन ट्रेड के जरिए हमने जो समझा था उसमें ये था कि अगर आप कुछ हजार रुपए लगाते तो करोड़ों कमाते, इस तरह का मूव देखने को मिला। खबर के मूव कभी कभी ऐसा देखने को मिलता। उसके बाद इन तमाम स्टॉक्स में देखिए लगातार गिरावट देखने को मिला। कमोवेश ये सारे शेयर उसी लेवल के आसपास आ चुके हैं जहां से इन्होंने पुलबैक रैली दिखाई थी। इस बात की गुंजाइश है कि इस खबर के दम पे वापस ये शेयर उस लेवल तक जा सकते हैं, यानी कि मौजूदा स्तर से एक अच्छा खासा अपसाइड इस लेवल इन शेयरों में अब देखने को मिल सकता है, जिस तरह सरकार ने कल ये फैसला दिया। तो आज भी लगता है कि शुरुआत बेहतर देखने को मिली, इसलिए एक बैंकिंग स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में भी होगा, IDBI बैंक होगा, जिसमें कि आज के ट्रेड में उछाल देखने को मिल सकता है। देखिए जिस तरह सरत ने पूरी खबर बताई, यही ऐड करना है मुझे कि सबसे ज्यादा रकम किसी को मिला तो IDBI बैंक को मिला, 10,610 करोड़ का जो है इनको जो है रिकैप बैंड कैप के जरिए बॉन्ड के जरिए इनको पैसा मिला। ये कहीं ना कहीं IDBI बैंक को मजबूती आज के ट्रेड में देता हुआ दिख सकता है। मैं 68 रुपए का थोड़ा कंजर्वेटिव टारगेट रखा हूँ, टारगेट को आप रिवाइज कर सकते हैं। अगर शेयर इसके ऊपर जाता है तो 70-72 तक का जोन आसानी से आज के ट्रेड में छूता हुआ दिख सकता है, लेकिन 64 रुपए का आपको इसमें आज के लिए स्टॉपस लगाना होगा। आसियाना हाउसिंग फाइनेंस होगा आज का अगला शेयर जिसमें खरीदारी करने की सलाह होगी। आज पूरे फाइनेंस सेक्टर में देखिए एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है, लेकिन बड़ी खबर ये आ रही है जी बिजनेस के सूत्रों के हवाले से कि सरकार इस बार बजट में सस्ते घरों को बढ़ावा देने के लिए कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। और इस ऐलान के तहत जो सरकार सब्सिडी वाले जो घर होते हैं, जो 6 लाख तक के जो घर आमदनी वाले लोग होते हैं जिन पर सरकार सब्सिडी देती है, अब उन घरों के साइज को बढ़ाया जा सकता है। ये कहीं ना कहीं ऐसी कंपनियों को जो सस्ते घर बनाते हैं उनकी बिक्री में एक इजाफा दिखाता हुआ दिख सकता है। आसियाना हाउसिंग फाइनेंस जैसे स्टॉक्स में आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिल सकती है। 185 रुपए का आपको इसमें टारगेट रखना है, 175 रुपए का लेकिन इसमें आज के लिए स्टॉप लॉस होगा। लेकिन मैं एक और बैंक उतारूंगा पोर्टफोलियो में, लगातार 3 बैंक मैंने शामिल कर लिए हैं। यूनियन बैंक को भी कंसिडर करें आज, क्योंकि 4,524 करोड़ रुपए इनको भी अलॉट हुए हैं, और रिकैप बॉन्ड्स जारी होना, उसका एलोकेशन करना ही एक बहुत बड़ा स्टेप है, जिसको जो क्लैरिटी चाहिए थी सरकार को, सरकार की तरफ से, वही बाजार को अब बहुत पसंद आएगी। और हो सकता है कि सरकारी बैंक आज तेज खुलें, लेकिन अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते चलिए, क्योंकि पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से पॉजिटिव साइड पर ही यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। 147 का लगा लीजिए स्टॉप लॉस, टारगेट 154। इसके अलावा जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है BEL, जिसमें खबर ये है कि 30 जनवरी को बोर्ड बैठक है, और बोर्ड बैठक में बायबैक पर हो सकता है कि बोर्ड फैसला ले, और ये एक बहुत बड़ा एक ट्रिगर बन जाएगा BEL के लिए। और वैसे भी डिफेंस शेयर आज के सत्र में फोकस में रहेंगे, ठीक 26 जनवरी से पहले ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन है जहां पर मार्केट्स पे कामकाज होगा, तो आप डिफेंस स्टॉक्स को भी आज पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। 171 का लगा लीजिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस, और BEL पे आज का टारगेट होगा 178, कंसिडर कर सकते हैं शुरुआती टिक्स के लिए। तो मैंने रत्न अभी तक आपको 8 शेयर बताए, 8 के 8 शेयर खरीदारी के ही बताए गए हैं। अब बात करते हैं आज के EPS शेयर की। आज के लिए EPS आप बताइए। IFB इंडस्ट्रीज होगा जिसपे आप बेट लगा सकते हैं। यहाँ पर ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट पॉजिटिव, इनफैक्ट निर्मल बैंक की रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने बाय रेटिंग दी है और कवरेज शुरू करी है। लक्ष्य देखिए आप 1900, ये फेयर वैल्यू समझ रहे हैं निर्मल बैंक इस पर्टिकुलर स्टॉक की देखने को मिल सकती है। कहना यह है रिपोर्ट में कि FY20 तक सालाना आय की जो सालाना जो ग्रोथ होगी वो लगभग 23.7% की होगी, और FY20 तक मार्जिन जो है वो बहुत ज्यादा सुधरते हुए नजर आएंगे, लगभग 5% सुधरेंगे मार्जिन इन स्तरों से। तो ये बहुत बड़ा ट्रिगर होता है जैसे किसी कंपनी के ऊपर एक तो रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए और ऊपर से मार्जिन सुधरने की बात हो जाए, आय में बढ़ोतरी, मुनाफे में बढ़ोतरी की बात हो जाए, तो वो स्टॉक डेफिनेटली कंसिडर होता है मार्केट में। आज के लिए IFB इंडस्ट्रीज पे आप टारगेट लेकर चलें 1425, लेकिन ये सिर्फ ट्रेडिंग टारगेट्स हैं, 1370 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। पोजिशनली तो यहाँ पर निर्मल बैंक ऑलरेडी बता चुका है कि 1900 तक का लक्ष्य IFB इंडस्ट्रीज पे पोजिशनली आप रख के चल सकते हैं। आज मेरी तरफ से जो शेयर होगा उसमें कहीं ना कहीं नतीजों का ट्रिगर होगा। मैंने कहा था उमंग डेयरी घाटे से मुनाफे में आ सकती है, कमोबेश वही नतीजे हैं। सौराष्ट्र सीमेंट एक शेयर होगा जिसमें कि लगता है कि ये कंपनी भी घाटे से मुनाफे में इस क्वार्टर में आती हुई देख सकते हैं। वैसे भी सीमेंट कंपनियों के लिए तीसरी तिमाही के जो नतीजे होते हैं वो अक्सर बेहतर देखने को मिलते हैं, पोस्ट मानसून जो है जिस तरह से हम देखते हैं कि डिमांड बढ़ती है सीमेंट का, उसका फायदा होता हुआ दिखता है। वैसे भी तीसरी तिमाही में हमने देखा था सीमेंट कंपनियों ने कीमतें बढ़ाई भी थी, उसका भी फायदा हो रहा है। ये शेयर जो है 2006 के बाद सबसे ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा, और बीते 5 दिनों का ट्रेंड देखिए शेयर में करीब 85% की डिलीवरी वॉल्यूम के साथ खरीदारी देखने को मिली है। यानी कहीं ना कहीं नतीजों से पहले शेयर में एक मजबूत खरीदारी का ट्रेंड इमर्ज हो रहा है, और वो आज के ट्रेंड में शेयर को मजबूती दिला सकता है। 105 रुपए का आपको इसमें लक्ष्य रखना है, 92 रुपए का लेकिन आपको इसमें स्टॉपस लगाना है। तो फटाफट रिकैप ले लेते हैं किन शेयर पर हमने खरीदारी या बिकवाली करने की सलाह दी है। इनफैक्ट सारे के सारे शेयर खरीदारी के हैं। आज के लिए मैंने शुरुआत की डॉक्टर एडीज के साथ जिसमें की मजबूती देखने को मिल सकती है। कुछ पॉजिटिव खबरें आई
है। आज के लिए 2625 रुपए का आपको इसमें टारगेट रखना होगा। पवार डेरी में खरीदारी की नतीजों से पहले खरीदारी का ट्रेंड देखने को मिला, 241 रुपए का लक्ष्य होगा। IDBI बैंक में खरीदारी करने की सलाह, बॉन्ड रिकैपिटलाइजेशन का फायदा सीधे तौर पर होगा, 10,000 करोड़ से ज्यादा की रकम मिल रही है, 68 रुपए का लक्ष्य होगा। आसियाना हाउसिंग में खरीदारी करने की सलाह, बजट में सरकार की तरफ से सस्ते घरों को लेकर कुछ बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं, 185 रुपए का टारगेट रखना है। बतौर यूपीएससी मैंने स्वास्थ्य सीमेंट को उतारा, इस कंपनी Q3 में घाटे से मुनाफे में आती हुई दिख सकती है, 2006 के ऊपरी स्तर के बाद सबसे ऊपरी स्तर पर कारोबार करिए 2006 के बाद, और लगातार मजबूत डिलीवरी वॉल्यूम के साथ खरीदारी का ट्रेंड देखने को मिला, 105 रुपए का लक्ष्य रखना होगा। रथ की तरफ से देख ले तो रथ के कौन से 5 शेयर्स बताए गए, रथ ने आज 5 शेयर बताए, इसमें उन्होंने बैंकिंग स्टॉक्स में ज्यादा दाव लगाया, बैंक ऑफ इंडिया, OBC, यूनियन बैंक में खरीदारी करने की सलाह, इसके बाद BEL में खरीदारी की जांच के ट्रेंड में, बतौर EPSI इन्होंने IAB इंडस्ट्रीज को उतारा, कुछ ब्रोकरेज हाउसेस ने बड़े लक्ष्य के साथ में खरीदारी करने की सलाह दी है। लेकिन रजत आपके तो मैंने 5 स्टॉक्स बता दिए रिकैप में, छठा स्टॉक्स क्या है वो बताइए आप। ये जो कृषि क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां हैं, बजट से ठीक जैन इरिगेशन डेफिनेटली रडार पर है, लेकिन ये कैसा शेयर जो लगातार चल रहा है, पर पहले कावेरी सीड भी हो जाए, यहाँ पर डेरिवेटिव मार्केट भी, और वायदा बैंक से बाहर निकला है तो कहीं ना कहीं तेजी इसके चलते भी, हाँ शॉर्ट कवरिंग कहते हैं इसे, यहाँ पर वायदा बैंक से बाहर निकलते हैं तो हो सकता है कि जो मंदी की पोजीशंस बनी थी स्टॉक में आज वो लोअर लेवल से एक रिकवरी में तब्दील हो जाए। और वैसे मैं बता दूं कि एक्सपायरी का दिन है, ये स्टॉक ने इस सीरीज में नेगेटिव रिटर्न दी है, लेकिन अभी भी हो सकता है, चांस है कि एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक इस स्टॉक में आता हुआ नजर आए। आप आज सिर्फ 522 तक का ही टारगेट लेकर चलें, स्टॉप लॉस 510 का रखें, इसलिए पोर्टफोलियो में शामिल किया क्योंकि बजट में कृषि सेक्टर पे सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है। स्टॉक 6% के आसपास टूट चुका है जनवरी में, हो सकता है कि एक पुल बैक आज के सत्र में इसको बेहतर लेवल्स तक ले जाए। दूसरा है जैन इरिगेशन, देखिए इसके चार्ट तगड़े हैं, 13% बढ़ा है जनवरी में, और अभी तक रोल ओवर लगभग 58% के आसपास का है, औसतन 80% से तक का रोल ओवर देखने को मिलता है, लेकिन अगर आज चला तो काफी शार्प अपसाइड पोटेंशियल स्टॉक पे देखने को मिल सकता है, और बजट में तक इस स्टॉक पे आप फोकस रखें जैन इरिगेशन पे। आज 149 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस 143 का लगाकर चलना होगा स्टॉक। मेरे अब दो बैंकिंग स्टॉक्स होंगे जहां पे आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिल सकता है, PNB होगा जहां पे आज के ट्रेड में खरीदारी करने की सलाह होगी। ये शेयर देखिए, जब रिकैपिटलाइजेशन की खबर आई थी तो सबसे तेज कोई शेयर चला था तो PNB चला था, जब इसमें हमने करीब 40-50% तक की मजबूती देखने को मिली थी, उसका लगातार शेयर में गिरावट का ट्रेंड देखने को मिला, वापस से अब जिस तरह से खरीदारी देखने को मिल रही है, जिस तरह से खबर आई है, आज के ट्रेड में वापस से शेयर में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। 5,000 करोड़ से ज्यादा का रिकैप बॉन्ड इनको मिला है, 199 रुपये का आपको इसमें लक्ष्य रखना है, 192 रुपए का स्टॉपस लगाना हो, 200 के ऊपर जाता है लगातार कारोबार करता है तो शेयर में और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है आज के ट्रेड में। केनरा बैंक होगा, इसमें बॉन्ड वाली खबर तो है ही सरकारी बैंक, लेकिन नतीजों का ट्रिगर है, और इसके आधार पर मुझे लगता है कि ये शेयर आज आउट परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है। एसेट क्वालिटी में देखिए, जिस तरह का सुधार देखने को मिला, वो जो अनुमान था उससे बेहतर सुधार देखने को मिला, नेट इंटरेस्ट इनकम करीब 52% बढ़ा, और कंपनी के जो है घाटे में आने की गुंजाइश थी, मुनाफे में आई है लेकिन घाटे में आने का अनुमान था, ये कहीं ना कहीं केनरा बैंक को एक अच्छी मजबूती दिखा सकता है। याद रखिए, जब भी बैंकों के नतीजे इस तरह के आए हैं, बैंकिंग शेयरों में इंट्राडे में बहुत अच्छी रैली देखने को मिली है, खासतौर पर सरकारी बैंकों में। आज के लिए केनरा बैंक में 385 रुपये का पहला लक्ष्य टारगेट अचीव हो जाता है, फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अपने वित्तीय सलाहकार की राय से 400 रुपये तक के लक्ष्य के साथ आप अपने जो है टारगेट को रिवाइज करके चल सकते हैं, लेकिन 376 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। अच्छा, मैंने बेट की है एविएशन स्टॉक्स पे, इनफैक्ट क्रूड मान लिया कि एक अच्छी तेजी में है, पर ओवर स्ट्रेच हो चुका है क्रूड यहां से, तो हो सकता है कि कुछ अगर रिवर्सल मिल गया ना तो एविएशन के लिए पॉजिटिव, और ऊपर से जब बाजार कल बंद हुआ तो उड़ान 2 के तहत इंपॉर्टेंट खबर ये आ गई कि सरकार ने नए रूट्स अलॉट किए, जिसमें सबसे बड़े बेनिफिशियरी हुए हैं इंडिगो और स्पाइसजेट को 17 नए रूट्स अलॉट किए गए। आज निचले स्तरों से खरीदारी, एक पुल बैक देखने को मिल सकता है, 124 का रखें टारगेट, स्टॉप लॉस 118 का फॉलो करना होगा। दूसरा ग्लोबल वेक्टर खबर यहां पर यह भी है कि उड़ान स्कीम के तहत, क्योंकि रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाना चाहती है सरकार, हेलीकॉप्टर सर्विसेज भी शामिल की गई हैं। ग्लोबल वेक्ट्रा पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा स्लाइड हो चुका है, कल के सत्र में पिछले कुछ दिनों की तुलना में गिरावट थोड़ी कम देखने को मिली, आज एक बाउंस बैक आया तो इसमें 165 का पहला टारगेट रहेगा और 159 का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। आज का जो अगला शेयर इसमें खरीदारी करने से लगे ग्लोबल ऑफशोर होगा, इसमें खरीदारी कर सकते हैं। देखिए, जिस तरह से क्रूड में वापस से थोड़ा तेजी देखने को मिली, 3 साल के ऊंचाई पर कारोबार करा, आज के ट्रेड में डॉल्फिन ऑप्शन में मजबूती देखने को मिल सकता है, 70 के आसपास वापस से ब्रेंट क्रूड कारोबार करा। ये शेयर देखिए, बीते 8 दिनों से लगातार गिरावट था, कल बाजार जैसे ही स्थिर हुआ क्रूड में थोड़ा उछाल देखने को मिला, तो शेयर में मजबूती देखने को मिली थी। आज के लिए 136 रुपये का आपको लक्ष्य रखना है, 128 रुपये का स्टॉप लॉस होगा। हिमाद्री केमिकल होगा आज का अगला शेयर, इसमें खरीदारी करने के लगे IFL ने शेयर में खरीदारी करने
सलाह दिया, कल 2% की गिरावट के साथ शेयर बंद हुआ था, लेकिन आज मजबूती देखने को मिल सकती है क्योंकि उन्होंने जो लक्ष्य दिया है 240 रुपए का वो मौजूदा स्तर से करीब 32% ऊपर का है। आज कम से कम 4-5% की मजबूती तय है। खरीदारी के चलिए 188 रुपए का लक्ष्य होगा, 179 रुपए का आपको इसमें लेकिन स्टॉपलॉस लगाना है। तो मैंने और रजत ने अभी तक आपको जो है 18 शेयर बताया, 18 शेयर खरीदारी के बताए गए। अब बात करते हैं आज के सुपरहिट शेयर की। अफोर्डेबल हाउसिंग पे आज फिर से एक्शन रह सकता है। आशियाना हाउसिंग पहले ही मनीष शामिल कर चुके हैं, मैंने पोर्टफोलियो में कोल्टे पाटिल को शामिल किया है, क्योंकि खबर यहां पर यह है कि ये जो सब्सिडाइज स्कीम है इसमें जो घरों का साइज है उसको हो सकता है कि सरकार बढ़ाए, और अगर ऐसा होता है तो ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग से जुड़ी कंपनी जैसे कि कोल्टे पाटिल, आशियाना, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कंसिडर होंगे। और ऊपर से यहाँ पर यह भी खबर है कि जो कंस्ट्रक्शन होती है, कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान में जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर हैं उनमें भी यहाँ पर जो GST है उसको घटाया जा सकता है 12% से घटाकर 8%, एक और पॉजिटिव ट्रिगर। देखिए जो बने हुए घर होते हैं उन पे तो कोई GST है नहीं अपनी, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन से जुड़े जो घर होते हैं जहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हो रही होती है उस पे GST एप्लीकेबल है, 12% से घटाकर उसको 8% करने की बात है। तो दो इंपॉर्टेंट खबरें हैं आज, अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट से जुड़ी कंपनी है वो एक्टिव हो सकती हैं। कोल्टे पाटिल आप 382 का टारगेट रखें और स्टॉप लॉस 365 का आज के ट्रेडिंग सेशन के। आज के मेरे तरफ जो शेयर होगा इंडिगो होगा, इसमें खरीदारी करने की सलाह, कल देखिए कल के ट्रेड में मैंने 90 स्पीड में बिकवाली करने की सलाह दी, पूरे कन्विक्शन के साथ मैंने दिया था। शेयर कमजोर खुला 5%, थोड़ा पुलबैक भी देखने को मिला, इंटरडे में वापस से दिन के निचले स्तर के आसपास बंद हुआ। आज कहीं ना कहीं इंडिगो का एक दिन हो सकता है जिसमें कि एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। 2-3 बड़े ट्रिगर है, एक तो कल बाजार बंद होते होते नतीजे बेहद शानदार देखने को मिले, वो पॉजिटिव ट्रिगर है। और सुबह ब्रोकरेज हाउसेस देखे, तमाम ब्रोकरेज हाउसेस ने एक बड़े लक्ष्य के साथ 1600 ऊपर से ज्यादा का लक्ष्य इन्होंने दिया है। दोनों ब्रोकरेज हाउसेस ने, चाहे वो क्रेडिट स्विस हो या एडलवाइज, दोनों ने 1650 के आसपास का लक्ष्य दिया है। तो कहीं ना कहीं आज के ट्रेड में एक जोरदार उछाल शेयर में देखने को मिल सकता है, और उड़ान स्कीम का भी सीधे तौर पर फायदा होता हुआ दिखेगा जो कल आया अनाउंसमेंट की गई है। तो 3 बड़े ट्रिगर इंडिगो में आज उछाल देखने को मिल सकता है। 1350 रुपए का पहला लक्ष्य होगा, इसको पार करता है तो फिर 1410-1420 के टारगेट के साथ आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस को रिवाइज करके चल सकते हैं, लेकिन 1210 रुपए का आपको इसमें आज के लिए स्टॉप लॉस लगाना है। तो मैंने और रत्न ने अभी तक आपको 20 शेयर बताया, 20 के 20 शेयर खरीदारी के बताए गए। मेरी तरफ से शुरुआत हुई डॉक्टर रेड्डीज, कुछ पॉजिटिव खबरें आई हैं, इसका असर पॉजिटिव देखने को मिलेगा। 2625 रुपए का आपको लक्ष्य रखना है। प्रभात डेयरी नतीजों से पहले तेजी का रुझान, 241 रुपए का टारगेट रखना है। IDBI बैंक में खरीदारी करने की सलाह, 68 का टारगेट होगा। आशियाना हाउसिंग में मजबूती देखने को मिल सकती है, 185 का लक्ष्य होगा। बतौर पे शेयर स्वराष्ट्र सीमेंट को उतारा है, माना जा रहा है कि तीसरी तिमाही में कंपनी घाटे से मुनाफे पे आ सकती है। मजबूत डिलीवरी आधारित खरीदारी देखने को मिल रही है। कंपनी 2000 शेयर जो है 2006 के बाद सबसे ऊपर स्तर पर कारोबार कर रहा है, 105 रुपए का टारगेट रखना होगा। इसके अलावा दो बैंकिंग स्टॉक जिसमें मैंने खरीदारी करने की और सलाह दी है, PNB में खरीदारी कीजिए और केनरा बैंक के नतीजे बेहतर देखने को मिले, उछाल देखने को मिल सकता है। डॉल्फिन ऑफशोर क्रूड की तेजी का फायदा हो रहा है। हिमादी केमिकल IFL ने बड़े लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करने की सलाह दी है, 188 का टारगेट होगा। इंडिगो में आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिल सकती है नतीजों का असर। ब्रोकरेज हाउसेस ने काफी बड़ा लक्ष्य दिया है इसके लिए, उड़ान 2 स्कीम का फायदा, कई बड़े ट्रिगर्स हैं। 1350 रुपए का पहला टारगेट अचीव हो जाए तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप अपने टारगेट को रिवाइज करके चल सकते हैं। रीकैप, बॉन्ड्स के जरिए कैपिटल इन्फ्यूजन सरकारी बैंकों को ड्राइव कर सकता है आज। शुरुआती 3 स्टॉक्स बैंक ऑफ इंडिया, OBC, यूनियन बैंक, इनको कंसिडर कीजिए, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉसेज फॉलो कीजिए। आज इन तमाम स्टॉक्स में शुरुआती टिक्स एटलीस्ट तेजी के बन सकते हैं। BEL क्योंकि यहां पर बायबैक पर विचार करने की योजना है 30 जनवरी को जो बोर्ड बैठक है, तो कंसीडर किया जा सकता है। टारगेट है 178, स्टॉप लॉस 171। IFB इंडस्ट्रीज, निर्मल बैंक की रिपोर्ट है, कवरेज शुरू की है, फेयर वैल्यू 1900 समझते हैं, लेकिन आज इंट्राडे के लिए 1425 का टारगेट, 1370 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। बजट से ठीक पहले ये जो कृषि क्षेत्र से जुड़ी जो कंपनी और खासतौर से जो वायदा कारोबार में एक्टिव है, कावेरी सीड, जैन इरिगेशन, यहां पर बेट ले सकते हैं और एक निचले स्तरों से खरीदारी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। स्पाइस जेट, क्योंकि उड़ान 2 के तहत 17 नए रूट्स अलॉट हुए हैं कंपनी को, स्पाइस जेट आज 124 का टारगेट, 118 का स्टॉप लॉस। ग्लोबल वेक्ट्रा आज 165 का टारगेट, 159 का स्टॉप लॉस। और कोल्टे पाटिल को कंसिडर कीजिए आप 382 के टारगेट के लिए, और 365 का लगाना होगा एक छोटा सा स्टॉप लॉस। वक्त तक ब्रेक का है, अभी तक हमने 20 शेयर की चर्चा की, ब्रेक के बाद मिहिर और डिम्पी के साथ देखिए शेयर बाजार लाइव, क्योंकि आज का शेयर बाजार लाइव बेहद खास होगा क्योंकि अगले हफ्ते बजट का हफ्ता और आज एक्सपायरी है। तो निश्चित रूप से देखिए 2 घंटे का नॉन स्टॉप कवरेज जिसमें कि आज के बाजार की विस्तार से चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार।